नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं एमपी सिटी 24 न्यूज एक्सप्रेस। बढ़ते हैं आज की नई और ताजा खबरों की ओर। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के देवकट्टा जलाशय के पानी का लाभ क्षेत्र के किसानों व ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते पानी की समस्या को लेकर एक दर्जन से ज्यादा गांव के ग्रामीणों ने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश महासचिव नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में किया डोंगरगढ़ तहसील ऑफिस का घेराव। देवकट्टा जलाशय निगो बांध से किसानों को पानी नहीं मिलने व क्षतिग्रस्त गेट को सुधारने तथा टूटे हुए नहर नाली को बनाने की मांग को लेकर आज देवकट्टा व कन्हार गांव तथा आसपास गांव के ग्रामीणों व किसानों ने एसडीएम दफ्तर का घेराव किया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य व महासचिव नवीन अग्रवाल और ग्राम पटेल सतीश कंवर के नेतृत्व में तहसील कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं देखा गया कि ज्ञापन लेने जब जल संसाधन विभाग से कोई जिम्मेदार नहीं आया तो किसान आक्रोशित हो गए, जिसके बाद विभाग ने एक सप्ताह के भीतर काम शुरू कराने का आदेश दिया, तब जाकर किसान हटे। वहीं किसानों ने कहा कि समस्याओं का निराकरण नहीं होने पर हम सभी किसान व ग्रामीण 22 जून को डोंगरगढ़ खैरागढ़ मुख्य मार्ग में चक्का जाम करेंगे, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रदर्शन में 500 की संख्या में कार्यकर्ता ग्रामीण व किसान मौजूद थे। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ डोंगरगढ़ से सोनू कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी के बैनर तले आज 5 से 6 गांव के ग्रामीण और किसानों द्वारा यहां पे डोंगरगढ़ तहसील ऑफिस में घेराव किया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि डोंगरगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम देवकट्टा जलाशय, जिसको निगो बांध कहा जाता है, वहां पे पानी की समस्या लगातार बड़ी बनी हुई है। वहां का पानी किसी को भी क्षेत्र के किसानों को वहां पे उपलब्ध नहीं मिल रहा है, न ही उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां का जो बांध है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसके माध्यम से पानी पूरा बह जा रहा है और वहां पे पहले 40% पानी था, अब मात्र 15% ही पानी रह गया है। मैं ग्रामीणों द्वारा कई बार आवेदन भी दिया गया है, निवेदन भी किया गया है, सब कुछ किया गया, उसके बाद भी अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा वहाँ पे साधन संसाधन की कोई भी व्यवस्था पानी को रोकने के लिए नहीं की गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ सरकार जो है वो किसानों को अपनी हितैषी बताती है और सरकार ये बोलती है कि हम किसानों की सरकार है, और दूसरी तरफ देख लो किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आज हमने तहसील ऑफिस का घेराव कर उनको ज्ञापन दिया है और हमको लिखित में आश्वासन इन्होंने दिया है कि एक हफ्ते में जो किसानों की समस्या है वो दूर कर दी जाएगी। अगर एक हफ्ते में किसानों की समस्या दूर नहीं करी गई तो 10 से 12 गांव के ग्रामीण जिसको जो वहां पर प्रभावित हो रहे हैं वो सभी ग्रामीण सभी किसान मिलकर चक्का जाम करेंगे डोंगरगढ़ से खैरागढ़ मुख्य मार्ग में, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी, संबंधित विभाग की होगी।